नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल होम प्रोडक्ट गुरु यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाए हुए काफी टाइम हो गया, मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ, जरूर बनाता हूँ आपके लिए। तो आज मेरा इस टॉपिक है कि डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में 90 से 95% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे डिटर्जेंट पाउडर का आप बिजनेस करते हैं तो 90 से 95% फेल होने का मेन रीजन जो है, मेन जो कारण है, वो जो भी आपको मटेरियल मिलता है वो महंगा मिलता है। मान लीजिए मैं आपको मेन चीज, जैसे एसिड सैलरी होती है, एसिड सैलरी जैसे आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको 70 से 75 रुपये पर केजी आपको मिलता है। अगर थोड़ा आप लेते हैं 50 किलो 100 किलो तो आपको लगभग 120 रुपया 90 95% का एसिड सैलरी मिलता है। तो इसमें आपको बहुत सारे अंतर हो जाता है। मान लीजिए सोडा आश है, आप थोड़ा लेते हैं तो आपको 35 या 30 या 40 रुपये के बीच में पड़ता है। अगर वही सोडा ज्यादा लेते हैं तो 1820 रुपया किलो आपको पड़ता है। ऐसा ही हर जो प्रोडक्ट्स है आपको महंगा पड़ जाता है। तो महंगा पड़ने के कारण है कि आपका जो बिजनेस है सक्सेस नहीं होता है। और दूसरा जो कारण है, दूसरा जो मेन कारण है, आपको बिजनेस जब करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सही नहीं होता है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट्स है, कोई बोलता है ये खराब है, कोई बोलता है झाग नहीं बनाता है, कोई बोलता है सफाई नहीं करता है। तो इसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। ये हम लोग जब वीडियो डालते हैं तो कई तरह का डिटर्जेंट पाउडर बना के डालते हैं कि हर तरह से आप उसको चेक करें कि किस तरह से कौन सा डिटर्जेंट पाउडर सही होता है। बहुत सारी कंपनियां एक तरह की डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनाती है, अलग अलग तरीके के बनाती है। तो मेन दूसरा ये रीजन है बिजनेस फ्लॉप होने का। तो ये जो मेन दो रीजन है ये आपको सही करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आप सर्फ बना के डाले हैं तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि झाग ये कितना बनाता है। मेन प्रॉब्लम लोग झाग ही देखते हैं कि हाँ, जिसका झाग कम होता है वो सोचते हैं कि ये डिटर्जेंट पाउडर अच्छा नहीं है। तो मेन रीजन झाग, दूसरा सफाई। एक सफाई में भी ऐसा आता है, बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर लोग बनाते हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर जैसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं कपड़ा तो सफाई कर देता है, लेकिन उसका जो पानी होता है, जो सफाई वाला जो पानी बच जाता है वो हमेशा सफेद ही रह जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये सफेद है, कपड़ा तो सफाई किया नहीं, पानी तो काला हो जाना चाहिए। तो मेन रीजन यही भी होता है। तो आपको ये भी देखना है कि जो पानी हम डिटर्जेंट पाउडर अगर कपड़ा धोते हैं डिटर्जेंट पाउडर में, वो पानी काला हो जाना चाहिए, ये भी एक मेन रीजन होता है। ऐसा बहुत सारे रीजन है जो सही होना चाहिए, फिर जाके मार्केट में आप कामयाब होंगे। दूसरी, आप बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर में सोचते हैं कि सस्ता बनाने के लिए पत्थर डाल दो। पत्थर डालने के कारण है कि आपका डिटर्जेंट पाउडर पूरी तरह फेल हो जाता है और सही नहीं बनता है। तो ऐसे आप अगर कोई भी मटेरियल लेते हैं तो आप बड़े पदर पर लें। अगर स्टार्ट करना है अपने लिए थोड़ा थोड़ा बनाकर अगर ट्राई करना है तो थोड़े मटेरियल लें, पहले उसको सीखें, फिर ज्यादा मात्रा पर आप सामान लें और तब मार्केट में उतरे, तब जाकर आपको फायदा और मुनाफा होगा और आगे से शिकायत बहुत कम। हाँ, वैसा जरूर है कि शिकायत मिलता बहुत है। और मान लीजिए आप जितना मर्जी अच्छा डिटर्जेंट पाउडर बना ले, दुनिया के कितना भी बढ़िया, लेकिन उसमें कुछ परसेंट जो होते हैं वो ना जरूर बोलेंगे। जैसे मान लो कोई इतना जितना मर्जी आप वीडियो बना दो, डिसलाइक करने वाले भी जरूर आपको मिलेंगे। ऐसा ही है
कि कोई भी अगर बिजनेस कर लो उसमें कुछ डिसलाइक करने वाले जरूर मिलते हैं, तो उससे आप घबराइए मत, अपना बिजनेस स्टार्ट रखिए और आगे बढ़िए। तो अगले वीडियो में कुछ और नया लेके आऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।